हेलो एवरीवन। कटहल के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है आधा किलोग्राम कटहल, जिसको हमने अच्छे से धुल के उबाल लिया है कुकर में 2 सीटी आने तक। इसमें से अब हम इसके बीज अलग कर देंगे और इसी बाउल में हम इसको रख लेंगे और सारे बीज अलग कर लिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मसल मसल कर चिकना करेंगे। अच्छी तरह से मसल मसल के चिकना करने के बाद यहाँ पे हमने लिया है 250 ग्राम चना दाल, जिसको हमने ओवरनाइट भिगो करके अच्छी तरह से सिलबट्टी पर बारीक पीस लिया है। यहाँ पे हम बेसन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दाल से पकौड़ी ज़्यादा अच्छी बनती है, इसलिए हम चने दाल से बना रहे हैं। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ पर नंबर है मसालों का। मसालों पर हमने यहाँ लिया अमचूर, अजवाइन, और यहाँ पे लेंगे हल्दी पाउडर आधा टेबल स्पून, और अब हम यहाँ पे लेंगे नमक स्वाद अनुसार। और अब हम यहाँ पर लेंगे लाल मिर्च आधा टेबल स्पून। यहाँ पे बच्चों को भी खाना है इसलिए हम मिर्च कम डाल रहे हैं, तीखा कम ही चाहिए हमें। अब हमने डो बना करके तैयार कर लिया। अब ले लेते हैं, कढ़ाई की तरफ चलते हैं। कढ़ाई पे हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया, रिफाइंड ऑयल हमारा गरम है। यहाँ पे हम पकौड़ियों के साइज अपने हिसाब से बनाएंगे, आप अपने हिसाब के बनाएं छोटा या बड़ा। ऐसे बॉल बनाएंगे, बॉल बनाने के बाद चपटा करेंगे। और चपटा करने के बाद यहाँ पर हम पकौड़ियाँ एक एक करके कढ़ाई में ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब हम इनको पलट लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक इनको अच्छी तरह से पकाएंगे, और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, नहीं तो हमारी पकौड़ियाँ बाहर से लाल जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। तो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हमने इनको कर लिया, अब हम इनको बाहर कर लेंगे। सारी पकौड़ियों को अच्छी तरह से छान के हम बाहर किचन पेपर में निकाल लेंगे। और अब आप देख पा रहे हैं कि पकौड़ी हमारी बन करके तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। बाय बाय।